समर कैपिटल श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगांव में रात भर चली मुठभेड़ में लश्कर ए तोयबा TRF के 3 लोकल मिलिटेंट्स मारे गए हैं। IGP कश्मीर विजय कुमार ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्रीनगर के नौगांव इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में स्पेसिफिक इनपुट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मंगलवार देर रात इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया। IGP ने कहा, ऑपरेशन में वक्त लगा क्योंकि हमने पहले नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ में लश्कर ए तोयबा TRF के 3 लोकल मिलिटेंट मारे गए हैं। मारे गए 2 आतंकवादियों की पहचान शोपियां के आदिल तेली और साकिब तांत्रे के रूप में की गई है और तीसरे की पहचान शायद उमर तेली के रूप में है। हमने पहचान के लिए उमर के परिवार को बुलाया है। उन्होंने बताया कि मारे गए आतंकवादियों के पास से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्टल बरामद हुए हैं। IGP कश्मीर ने कहा, यह मॉड्यूल पंचायत प्रतिनिधियों को निशाना बना रहा था क्योंकि उनके आका नहीं चाहते कि कश्मीर में ग्राउंड लेवल पर लोकतंत्र मजबूत हो। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सरपंचों की हत्या में शामिल सभी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। हमने बड़गाम में CRPF के एक जवान और एक TA जवान की हत्या में शामिल मॉड्यूल का भी भंडाफोड़ किया। केवल एक मामला पेंडिंग था सरपंच समीर का, और आज की मुठभेड़ के साथ वह भी सुलझ गया है। उन्होंने कहा, कश्मीर में पंचों सरपंचों को सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। कल रात में पुलिस को खबर मिला था कि सुन्नीगांव के जो ऑर्डरसगढ़ है नौगांव में, वहाँ पर 3-4 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो पुलिस, आर्मी, CRPF मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते हैं, रात में 2 बजे फायरिंग शुरू हो गया। ऑपरेशन को पहले मतलब रोक दिए, सिविलियन को घर से बाहर निकाले और अभी ऑपरेशन ओवर हो गया, जिसमें लश्कर तोबा के 3 टेररिस्ट मारे गए और AK-47 2 पिस्टल मिला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो 10 दिन पहले खुनमो के सरपंच समीर अमर भट्ट साहब का किलिंग हुआ था, उसमें 3 टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था। ये आइडेंटिफाई हुआ है आदिल तेली कहकर, और दूसरा साकिब है तांत्रे शोपियन का, तीसरा मौसली उमर तेली है और उसकी फैमिली को बुला रहे हैं। तीनों लश्कर तोबा का लोकल टेररिस्ट है और तीनों PRI PP जो होते हैं, सरपंच पंच पर बार बार अटैक करते रहते हैं। और ये बहुत बड़ी पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो जितनी अटैक में हैं, जैसे कुलगाम में सरपंच को मारा गया तो उसके सारे मॉड्यूल को मतलब बस्ट करके अरेस्ट कर लिए हैं, रिकवरी हो गया है। CRPF वाले को मारा, उसको मतलब पकड़ लिए हैं, उसको अरेस्ट कर लिए हैं, रिकवरी हो गया, वेपन्स हो गया है। चाहे बड़गांव वाला जो किलिंग था आर्मी के जवान का हो गया, और अभी ये बाकी था खुरमु के सरपंच वाला, ये भी सॉल्व हो गया है। बिल्कुल, पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस ठीक से चले, ग्रासरूट पर डेवलपमेंट नहीं हो, इसलिए सरपंच पंच को जो सॉफ्ट टारगेट है इस पर टारगेट इसको अटैक किया जा करवा रहा है लोग। लेकिन हम लोग भी मुंह तो जवाब दे रहे हैं और आइडेंटिफाई के इसको इन्वेस्टिगेट करके पकड़ रहे हैं, इसको PSA लगा रहे हैं और कुछ को इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defense Road, Pathankot. GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।